फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को पाइथन कैसे हम काली लिनक्स में इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम उसे डाउनलोड करेंगे, ये सिखाने जा रहा हूँ। जो हमारी कल की वीडियो थी वो भी पाइथन की ही थी, बट उसमें हमने क्या कवर किया था कि आप पाइथन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 में, 8 में, 8.1 या माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज़ के किसी भी वर्जन में कैसे पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन भी दबाएँ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने अपना जो भी आपका फेवरेट ब्राउज़र है लिनक्स का, वो आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हम लोग गूगल टाइप करेंगे सर्च के लिए, और यहाँ पर आपने टाइप करना है पाइथन। ओके, तो जब आप पाइथन टाइप करते हो तो आपको ये एक सर्च रिजल्ट शो हो जाते हैं, और जो फर्स्ट है python.org, ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हमने इसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद जो हमें पेज शो होता है वहाँ पर ये एक डाउनलोड का लिंक लगा हुआ है, और उसके अंदर आपने सोर्स कोड पर क्लिक कर देना। सोर्स कोड पर क्लिक करने के बाद आपको पाइथन के सारे वर्जन यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आपको जो चाहिए, जिस वर्जन पर आप काम करना चाहते हो उसे आप डाउनलोड करना है। तो हम लिनक्स के लिए, काली के लिए डाउनलोड करते हैं कंप्रेस्ड सोर्स टार बाल। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे और इसे आप सेव कर लेना। ठीक है, तो आप सेव फाइल पर क्लिक करोगे, उसके बाद ओके पर क्लिक कर दोगे। जब आपकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी आप यहां से इसे ओपन कर ले। ओपन करने के बाद हम इस पर राइट क्लिक करके अपने इस डाटे को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप एक्सट्रैक्ट टू पर क्लिक कर दीजिए और वेट कीजिए प्रोसेसिंग। ये जो सॉफ्टवेयर आपका एक्सट्रैक्टिंग वाला, ये आपका रीड कर रहा है। तो हमने कहाँ पर इसे एक्सट्रैक्ट करना है वो हम यहाँ से पाथ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने डेस्कटॉप चूज कर लिया और यहाँ नीचे एक्सट्रैक्ट पर जाकर क्लिक कर दिया। तो इस तरह से ये आपकी जो टार है, कंप्रेस्ड है डाटा जो डाउनलोड हुआ है, ये आपका एक्सट्रैक्ट होकर यहाँ डेस्कटॉप पर फोल्डर बन जाए। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल हेयर पर क्लिक कर लीजिए। चाहे आप यहाँ से टर्मिनल ओपन करके अपने डेस्कटॉप पर चले जाइए। फिर हम इस पाइथन के फोल्डर के अंदर एंटर करेंगे। ls करके आप एक बार देख लीजिए, जो ये फोल्डर है इसे हमने ओपन करना है। तो हम यहाँ पर cd space पाइथन टाइप करेंगे। ठीक है, तो हमने टाइप किया। तो डिटो जैसा आपका नाम वहाँ पर शो हो रहा है वैसे आप टाइप कर लीजिए और इंटर प्रेस कर। तो इसके अंदर ये सारी हमारी इसकी फाइल शो हो रही है। फिर हम डॉट कन्फिगर कमांड, यहाँ पर ./ कन्फिगर कमांड को रन करेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, वो मैं सही कर लूं। ठीक है, तो हमने ./ कन्फिगर कमांड रन कर लेंगे। ओके, जब आपकी कन्फिगर कमांड कंप्लीट हो जाएगी फिर हम हमारे रूट यूज़र में जाएंगे। बट आप जैसे देख रहे हो कि मेरा ये रूट यूज़र ही चल रहा है,
तो अगर आपके यहाँ पर हैश का हैश आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका भी रूट यूज़र चल रहा है। अगर डॉलर आ रहा है तो आप का मतलब क्या है कि आप स्टैंडर्ड यूज़र में काम कर रहे हो। अब अगर आप स्टैंडर्ड यूज़र में हो तो आप su स्पेस रूट टाइप करके एंटर प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पर मेरा ऑलरेडी चल रहा था इसलिए कोई मैसेज नहीं आया। आपसे रूट यूज़र का पासवर्ड पूछा जाएगा, वो आप डाल दीजिए। अब हम मेक इंस्टॉल कमांड रन करेंगे कॉन्फ़िगर के बाद, और जहां पर ये टाइम लग रहा है या इसको थोड़ा हम क्या कर देंगे, फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जब ये बाद में इंस्टॉलिंग और कंपाइलिंग आना शुरू हो जाता है, ये आपकी लास्ट स्टेज है इसकी। ये देखिए आपके सेटअप टूल्स और पीआईपी इंस्टॉल हो रहे हैं, और इस तरह से हमारी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब एक बार इसे टर्मिनल को बंद कर देते हैं और दोबारा टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर मैं पाइथन लिखकर एंटर प्रेस करता हूं। तो ये देखिए हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। अब हम सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट रन करके देख लेते हैं। कि क्या आउटपुट आती है। ठीक है, हमारी पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है, पीआईपी सेटअप टूल्स सब इंस्टॉल हो चुके हैं। मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट दिया था और इसने मुझे ये आउटपुट शो किया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी कि हम काली लिनक्स में या किसी भी लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में पाइथन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो फ्रेंड्स, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। Thanks for watching.